संज्ञा संबंधी विभिन्न नियमों की श्रृंखला में अब हम कुछ और नियम सीखें और ये नियम कुछ अलग हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि ये नियमों को आपको याद नहीं रखना है। यू डोंट हैव टू मग अप दीज रूल्स। एज आई सेड अर्लियर, दीज रूल्स आर जस्ट जनरल रूल्स। देर आर लॉट मैनी एक्सेप्शंस टू इट। इसमें बहुत से अपवाद भी हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली फॉर ईच रूल लर्न जस्ट वन वर्ड विच इज मोस्ट कॉमन अंडर दैट रूल एंड ए वर्ड विच यू अदरवाइज यूज इन योर डे टू डे लाइफ। दूसरे शब्दों में हर एक रूल के तहत आप एक शब्द इसमें से चुन लें जो कॉमन है और जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, बस उतना काफ़ी है। और उस अनुसार आप दूसरे शब्दों को बनाने का प्रयास करें एंड ट्राई टू मेक अदर वर्ड्स लाइक वाइज अंडर ईच रूल। विद द प्रैक्टिस, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यू विल अंडरस्टैंड द राइट रूल बीइंग अप्लाइड फॉर ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू कम अक्रॉस। Okay, so let's move to the next one, and this one is very interesting. कुछ संज्ञाओं के दो बहुवचन रूप होते हैं। Very funny. मतलब जो संज्ञाएं हैं इसके बहुवचन के दो रूप होते हैं। दो रूप से क्या अर्थ है? यानी यदि बहुवचन हुआ तो उसके दो अलग अलग मायने निकलेंगे। दो अलग अलग मायने कैसे निकलते हैं? लेट्स टेक अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ब्रदर। अच्छा, दो अलग अलग रूप रहते हैं अर्थात दो अलग अलग अर्थ भी होंगे। दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट बेसिक वर्ड इज ब्रदर। वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, ब्रदर। ब्रदर यानी भाई। लेकिन यदि बहुवचन हो गया तो ब्रदर्स मतलब क्या होता है? ब्रदर्स, वी आर फोर ब्रदर्स। We are four brothers and I have four brothers. दोनों में अंतर क्या है? पहले थोड़ा सा ये जान लें। We are four brothers and I have four brothers. We are four brothers मतलब एक ही पेरेंट के हम लोग चार भाई हैं। यानी पेरेंट के कितने बच्चे हैं? चार भाई। We are four brothers and I have four brothers मतलब क्या हुआ? एक ही पेरेंट के मैं एक लड़का मैं हूं और मेरे साथ चार भाई और हैं। आई हैव फोर ब्रदर्स मतलब मैं एक हूं और मेरे साथ चार और हैं। तो दोनों वाक्यों में अंतर देखिए। कोई सवाल पूछता है, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव? देन यदि आप केवल कुल मिला के आपको मिलाकर दो ही लोग हैं तो आप क्या बोलेंगे? सवाल क्या है? How many brothers you have? You will say, sir, I have one brother. और यदि सवाल होता है, how many brothers you are? आप लोग कितने भाई बहन हैं? तो आपका उत्तर होगा, हम लोग दो भाई हैं। We are two brothers. But I have one brother. I have one brother मतलब एक भाई मैं और एक और, right? So coming back, this is something very important. क्योंकि day to day life में हम बहुत गलती करते हैं। सवाल पूछते हैं, आप कितने भाई हैं? और जवाब देते हैं, हम लोग चार भाई हैं। मतलब मैं एक और चार और, पांच हो गए। सो दैट्स नॉट द राइट वे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आई हैव फोर ब्रदर्स एंड वी आर फोर ब्रदर्स। आई हैव फोर ब्रदर्स मीन्स वी आर फाइव ब्रदर्स, राइट? आई हैव फोर ब्रदर्स मीन्स वी आर फाइव ब्रदर्स। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ब्रदर्स मतलब एक ही पेरेंट से होने वाले बच्चे, भाई लोग। अब दूसरा शब्द है ब्रदरन, बी आर ई T-H-E-R-N, brethren, yes, ren, brethren. तो brethren मतलब क्या होता है? Brethren कब हम बोलते हैं? जब भाषण देते हुए हम लोग संबोधन करते हैं भाइयों और बहनों, so brethren, वहाँ पर हमारा अर्थ भाई लोग नहीं है, हमारा अर्थ है भाइयों लोग, यानी समाज के, कम्युनिटी के विभिन्न लोगों को जब हम संबोधन करते हैं तब हम बोलते हैं ब्रदरन। पर ब्रदरन शब्द भी किससे बना है? एक वचन ब्रदर से।
और ब्रदर्स भी किससे बना है? एक वचन ब्रदर से। अब देखिए, ब्रदर से दो शब्द बने बहुवचन, और दोनों का अर्थ अलग अलग है, यही आपको समझाया जा रहा है। एम आई राइट? आर यू क्लियर अबाउट इट? ब्रदरन की बात करें तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का भाषण आप सुने जो उन्होंने 1894 में शिकागो में दिया था, विश्व धर्म सम्मेलन में, वेयर ही हैड डिलीवर्ड ए वर्ल्ड फेमस स्पीच एट द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस एट शिकागो USA इन 1894, एंड दैट्स वेयर ही एड्रेसेस ब्रदरन। आप उस भाषण को सुनिए, और उनके इस संबोधन ने, जिसमें उन्होंने दुनिया के लोगों को भाई के रूप में पुकारा, उनके इस संबोधन ने उन्हें बहुत ख्याति दी, बहुत तालियां बजाई, लोगों ने बहुत खुश हुए कि सबको वो भाईचारे की नज़र से देख के संबोधित कर रहे हैं। सो दिस इज ब्रदरन, राइट? ब्रदरन मतलब खून से संबंध नहीं, एक ही पेरेंट के बच्चे नहीं, ब्रदरन मतलब समाज के भाइयों, भाई लोग, भाइयों और बहनों, राइट? ऐसी एक दूसरा शब्द है क्लॉथ, CLOTH। बहुत लोग हम में इसमें से गलतियां करते हैं, क्लॉथ मतलब क्या होता है? क्लॉथ यानी कपड़ा, सीधी भाषा, राइट? अब यदि हम कहते हैं क्लॉथ बहुवचन, CLOTHS, तो क्लॉथ मतलब होता है बिना सिला हुआ थान का कपड़ा, क्लॉथ। क्लॉथ मार्केट अर्थात ऐसा बाजार जहाँ पर बिना सिले हुए कपड़े मिलते हैं, थान मिलता है, कपड़े को लंबे लंबा भंडार मिलता है, शर्ट पैंट नहीं, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉथ, CLOTH। और क्लॉथ से मतलब ऐसे कपड़ों के की दुकानें, ऐसे कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े। और दूसरा शब्द है CLOTHES, बहुवचन है ये भी, क्लॉथ्स भी बहुवचन था, उसका अर्थ हो गया बिना सिले हुए कपड़े, अनस्टिच्ड क्लॉथ, द पीस ऑफ क्लॉथ विच इज अनस्टिच्ड, बिना सिला हुआ। और दूसरा है क्लोज, क्लोज मतलब सिले हुए कपड़े, गारमेंट। आई एम गोइंग टू ए क्लोज शॉप, मतलब मैं गारमेंट की दुकान में जा रहा हूँ जहाँ मुझे रेडीमेड कपड़े खरीदना, रेडीमेड शर्ट खरीदना, तब मैं क्या बोलूँगा? क्लोज शॉप, क्लॉथ शॉप नहीं, समझ गए? तो क्लॉथ का बहुवचन यदि होता है तो दो बहुवचन होता है, एक तो क्लॉथ्स जिसका अर्थ बिना सिले हुए, और दूसरा है क्लोज, उसका उच्चारण भी थोड़ा अलग है, क्लोज, और क्लोज मतलब सिले हुए कपड़े, गारमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, डाई, DIE, डाई। डाई मतलब क्या होता है? एक शब्द है डाई, यदि बहुवचन में होता है DIES, डाई। डाई मतलब स्टैम्प फॉर कॉइनिंग, सिक्का बनाने का जो स्टैम्प होता है, जब जिससे सिक्का बनता है, उसे डाइस कहते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ है DICE, डाइस। डाइस मतलब क्या होता है? डाइस आपने सुना होगा, जब हम एक खेल खेलते हैं जिसमें पासा रहता है, पासे को कहते हैं डाइस, सफ़ेद रंग का एक स्क्वायर रहता है जिसमें एक से लेके मेरे ख्याल से 6 तक अंक होते हैं, यस, उसे पासा कहते हैं, पासा फेंकते, तो दैट इज़ कॉल्ड डाइस, DICE, डाइस, राइट? अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है पेनी। पेनी का अर्थ क्या होता है? पेनीज माने कॉइन्स, बहुत सारे सिक्के, पेनीज। आई हैव फ्यू पेनीज विथ मी, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, PENNIES, पेनीज। और देखिए, उसका दूसरा बहुवचन है पेनी का पेंस। पेंस का मतलब क्या है? पेंस मतलब एक मात्रा है, जैसे रुपया एक मात्रा है, 100 पैसे का 1 रुपया होता है, ऐसे फ्यू पेंस मेक ए पाउंड और ए डॉलर, पेंस। तो पेंस इज द अमाउंट इन वैल्यू, वाइल पेनीस इज नंबर ऑफ कॉइन्स। उच्चारण देखिए, पेनीज और पेंस दोनों बहुवचन हैं, किससे बने हुए हैं? पेनी से, पेनी माने सिक्का। ये हो गया कुछ उदाहरण आपको दो बहुवचन एक ही शब्द के, और दोनों के अलग अलग अर्थ। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला
एक नियम या संज्ञा का एक अलग प्रकार। एक वचन में दो अर्थ, अभी हमने क्या सोचा, एक वचन में एक अर्थ, जब दो वचन होता है, बहुवचन होता है, तो उसके दो अलग अलग अर्थ। अब हम कुछ और उसमें आते हैं कि एक वचन में दो अर्थ हो जाते हैं पर बहुवचन में एक ही अर्थ। आप भी सोचते होंगे सर इतने सारे नियम कैसे याद रखेंगे। मैं आपको पुनः दोहरा दूं, ये नियमों को कंठस्थ नहीं करना है। हर एक नियम के तहत आने वाले एक डे टू डे लाइफ के वर्ड आप बस याद रखो और आप समझ जाएंगे, आपको सरल रहेगा। ये कंठस्थ करने वाली चीज़ नहीं, समझने वाली चीज़ है, राइट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक वचन में दो अर्थ लेकिन बहुवचन होते ही एक अर्थ। कैसे? एक वचन में एक अर्थ, रेडियंस, रेडियंस लैंप, ये एक वचन है। लैंप मतलब लाइट, रेडियंस यानी चमक। और यदि बहुवचन हो जाता है लाइट्स, तो उसका अर्थ हो जाता है लैंप्स। दो अलग अलग हो गए, लाइट्स और लैंप्स, जबकि रेडियंस मतलब चमक और लैंप मतलब भी उसका अलग अर्थ हुआ, लैंप मतलब लाइट, जो जिससे लाइट मिलती है। सिमिलरली नेशन, नेशन एक वचन में देखिए इसके दो अर्थ हैं। नेशन के दो अर्थ क्या हैं? एक वचन में दो अर्थ हुआ, नेशन मतलब राष्ट्र और दूसरा हुआ मेन एंड विमेन। और एक वचन में इसका क्या हुआ? पीपल। एक वचन में क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया पीपल, एक ही अर्थ है। नेक्स्ट इज, अब हम देखते पाउडर। पाउडर देखिए, पाउडर आपने सुना है, पाउडर, पाउडर के सिंगुलर में दो मीनिंग होते हैं। एक पाउडर मतलब होता है डस्ट, इसका तुमने पूरा पाउडर बना दिया, मतलब इसको पूरा डस्ट बना दिया, धूल धूल पतला पतला कर दिया, धूल धूल जैसा कर दिया। और एक पाउडर होता है ए डोज ऑफ मेडिसिन, दवाई का एक डोज, जिसमें बहुत बहुत डस्ट जैसा पतला कर दिया जाता है, पर वहाँ पे पाउडर का अर्थ होता है दवाई से। यानी एक वचन में पाउडर का दो अर्थ, एक धूल धूल जैसा कर देना और दूसरा फाइन ग्रेन जैसा दवाई के लिए बना देना। ए डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, एंड सेकेंड इज डस्ट इट्सेल्फ। अब बहुवचन में इसका क्या अर्थ होगा? पाउडर्स मतलब डोजेज ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर हैज़ गिवन मी मैनी पाउडर्स, डॉक्टर हैज़ गिवन मी मैनी पाउडर्स, राइट। नाउ लास्ट थिंग इन द दिस कैटेगरी, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं, और इसको और गौर से देखें। देखिए स्पेलिंग क्या लिखी है, प्रैक्टिस, पी आर ए सी टी आई सी ई। प्रैक्टिस मतलब क्या है? प्रैक्टिस मतलब एक वचन में इसके दो अर्थ होते हैं प्रैक्टिस के, अभ्यास, हैबिट, आदत। प्रैक्टिस मतलब आदत, हैबिट। और स्पेलिंग क्या है, पी आर ए सी टी आई सी ई, और ये नाउन है याद रखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का क्रिया क्या होता है, वर्ब क्या है? मैंने आपको शुरू में बताया है प्रारंभ में कि प्रैक्टिस एक संज्ञा है और प्रैक्टिस करना क्रिया है। प्रैक्टिस जब संज्ञा है तो उसकी स्पेलिंग होती है पी आर ए सी टी आई सी ई, यानी अभ्यास, आदत। और अभ्यास करना यदि क्रिया है तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है पी आर ए सी टी आई एस ई, एस ई सी ई नहीं, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ, मैं लॉ का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे स्पेलिंग क्या होगी, एस आई एन जी। यहाँ तो ये आप समझ गए यदि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में अंतर, तो हम यहाँ पे संज्ञा के प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं जिसकी स्पेलिंग है पी आर ए सी टी आई सी ई, और उसके दो अर्थ हैं एक वचन में ही, पहला हैबिट और दूसरा प्रोफेशन, एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन। ही इज प्रैक्टिसिंग लॉ, सुना है आपने, ही इज प्रैक्टिसिंग लॉ, वह लॉ का धंधा कर रहा है। ही इज प्रैक्टिसिंग मेडिसिन,
मतलब वह डॉक्टरी का धंधा कर रहा है। ये किस में हुआ? एक वचन में। प्रैक्टिस का मतलब हैबिट और प्रैक्टिस का मतलब एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन, और प्रैक्टिसेस यदि बहुवचन है तो उसका एक ही अर्थ होता और वो है हैबिट्स। एक्सरसाइजेज ऑफ प्रोफेशन नहीं होगा, तो हैबिट्स के लिए आपके पास एक ही शब्द है, हैबिट्स के लिए प्रैक्टिस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट्स हमने देखा, लाइट्स क्या है, उसके बाद हमने पीपल देखा, उसके बाद हमने प्रैक्टिस देखा, और साथ ही कुछ जो भी शब्द हम ऐसे देख रहे हैं इसको थोड़ा हम गहराई से समझने की कोशिश करें। राइट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेट, एंड द नेक्स्ट सेट इज डिफरेंट। कुछ संज्ञाओं के एक वचन में एक अर्थ और बहुवचन में दो अर्थ। संज्ञाओं के एक वचन में एक अर्थ और बहुवचन में दो अर्थ, ये क्या हुआ? सिंपल एग्जांपल, कलर। कलर मतलब रंग। रंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ह्यू। आई हैव बॉट शर्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, आई हैव बॉट शर्ट ऑफ डिफरेंट ह्यूज। तो कलर्स मतलब एक तो होता है रंग, और उसको यदि बहुवचन करें तो रंग, बहुत सारे रंग हो जाते हैं। उसके यदि बहुवचन करें तो बहुत सारे रंग हो जाते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं, राइट। लेकिन यदि कलर्स का केवल एक ही अर्थ नहीं है, कलर का एक और अर्थ है द फ्लैग ऑफ ए रेजिमेंट, आर्मी के किसी एक यूनिट का झंडा, उसे भी कलर्स कहते हैं। आर्मी के रेजिमेंट के झंडे को भी कलर्स कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि कलर्स का, कलर का मतलब रंग, कलर्स का मतलब बहुत से रंग, और आर्मी का एक झंडा। कस्टम, कस्टम मतलब ही हैबिट, कस्टम माने हैबिट। अब कस्टम्स मतलब क्या होता है? आदतें। दिस विलेज पीपल हैव मैनी कस्टम्स, द पीपल ऑफ दिस विलेज हैव मैनी कस्टम्स, दे फॉलो मैनी कस्टम्स, बहुत सारी उनकी आदतें हैं। और कस्टम्स का एक और अर्थ है, आपने पढ़ा होगा जब आप विदेश से कुछ सामान मंगाते हैं तो उस पर एक टैक्स लगता है जिसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्टम्स टैक्स। दूसरा मतलब है ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट, आयात की गई चीज़ों पर लगने वाला कर भी कस्टम्स कहलाता है। बहुवचन में कस्टम्स के दो अर्थ हो गए, एक तो हो गया आदतें और दूसरा हो गया कर। कौन सा कर? बाहर से, विदेश से देश के अंदर आने वाले माल पर सरकार कुछ कर लगाती है, उसे कहते हैं कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स टैक्स, राइट। तो हियर इज कस्टम्स। नाउ इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, वील डू सम ऑफ देम, बट सी इफेक्ट बिकॉज ये कॉमन है। इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? तुम जो इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो उसका क्या इफेक्ट हुआ? यार बोलते हैं ना हम लोग, तुम जो इतना पढ़ रहे हो उसका क्या इफेक्ट हुआ? तुमको तो नंबर कम मिले। द लेबर दैट यू आर पुटिंग इन योर स्टडीज हैज नो इफेक्ट। जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो अध्ययन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, परिणाम नहीं निकल रहा। तो यहां पर हो गया इफेक्ट का अर्थ रिजल्ट। क्या हुआ? रिजल्ट, परिणाम। अब बहुवचन में इफेक्ट्स यदि बोलते हो तो एक अर्थ तो हो गया बहुत सारे परिणाम। द इफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज लेबर, द इफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज लेबर इज वेरी विजिबल, द इफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज लेबर, द इफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज लेबर आर वेरी मच विजिबल। इतने सारे मेहनतें के परिणाम जो हैं बड़े स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। विजिबल मतलब दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना, विजिबल। तो रिजल्ट इफेक्ट्स और इफेक्ट्स रिजल्ट्स, बहुवचन। लेकिन यदि बहुवचन में इफेक्ट्स का एक और अर्थ है प्रॉपर्टी, बहुवचन में इफेक्ट्स का एक अर्थ और प्रॉपर्टी, संपत्ति। इफेक्ट्स, ही हैज बिल्ट लॉट ऑफ इफेक्ट्स ड्यूरिंग हिज करियर, अपने नौकरी काल में उसने बहुत प्रॉपर्टी बनाई, बहुत संपत्ति बनाई। तो इफेक्ट्स मतलब व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ योर इफेक्ट्स। बहुवचन में
दो अर्थ हैं इस शब्द के, एक तो है प्रॉपर्टी और दूसरा है बहुत सारे परिणाम। और एक वचन में इफेक्ट मतलब एक ही अर्थ है यानी परिणाम। दूसरे शब्दों में प्रॉपर्टी के लिए इफेक्ट के साथ कोई दूसरा शब्द नहीं है, केवल इफेक्ट आप लिख के प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है मैनर। मैनर मतलब किस तरीके से, व्हाट मैनर हैव यू फॉलोड टू डू दिस वर्क, व्हाट इज द मैनर इन विच वी शुड फॉलो दिस। मैनर माने मेथड तरीका, और मैनर्स माने तरीके, स्वाभाविक है, कोई इसमें नई चीज नहीं है, एस लगा दिया तो बहुवचन हो गया। लेकिन मैनर्स का एक अर्थ और है, मैनर्स मतलब होता है करेक्ट बिहेवियर। दैट बॉय इज नोन फॉर एक्सेलेंट मैनर्स। आप को हमेशा अच्छे मैनर्स रखना चाहिए। यू शुड हैव वेरी गुड मैनर्स, यू शुड लर्न गुड मैनर्स। मैनर नहीं, क्योंकि मैनर का अर्थ क्या होता है, मैनर का अर्थ होता है मेथड। किस मैनर से इसे करना है सर, व्हाट मैनर टू फॉलो टू डू दिस प्रॉब्लम सर, बोलते हैं ना, तो वहाँ पे मैनर का अर्थ हुआ मेथड। लेकिन मैनर्स के दो अर्थ हो जाते हैं, जैसे ही बहुवचन होता है तो मैनर के बहुवचन के दो अर्थ। मैनर्स मतलब बहुत सारे व्यवहार, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड, और मैनर्स मतलब व्यवहार। ही इज नोन फॉर हिज इल मैनर्स। इल मतलब बुरा, इल माने बीमार और इल माने बुरा। ही इज नोन फॉर हिज इल मैनर्स, बुरे व्यवहार के लिए वह जाना जाता है, राइट। लास्ट इसमें एक और कर लेते हैं, और वो है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल मतलब क्या होता है, ये आपने सुना है इस शब्द को, स्पेक्टेकल मतलब क्या होता है, सुना तो जरूर होगा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। और ध्यान देने से मेरा अर्थ हमेशा ये रहता है कि तीसरी आंख खोलें, ओपन योर थर्ड आई। दो आंखें तो भगवान ने सबको दी हैं, गॉड हैज गिवन ईच ऑफ अस टू आईज, बट द वन हु वॉक्स अहेड, द वन हु विंस द बैटल इन लाइफ, द वन हु प्रोग्रेसेस इज द वन हु ओपन्स हिज थर्ड आई। जो आगे बढ़ता है, जो सफल होता है, जो जीवन में सफल है, वो है जो अपनी तीसरी आंख खोल के रखता है। तो आपको तीसरी आंख खोल के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शब्द, ऐसे शब्द जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आपने सुने हैं, कोई भी नए शब्द नहीं है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, अर्थात हमने तीसरी आंख नहीं खोल के रखी। स्पेक्टिकल मतलब क्या होता है, जो चश्मा जो मैं पहना हूँ, ये चश्मा से जुड़ा हुआ है शब्द। एक वचन में स्पेक्टिकल का अर्थ होता है दृश्य। आई सॉ ए ब्यूटिफुल स्पेक्टिकल टुडे इवनिंग, इट वॉज ए ब्यूटिफुल स्पेक्टिकल वॉचिंग द रेनबो। रेनबो मतलब, रेनबो यानी इंद्रधनुष, रेनबो यानी इंद्रधनुष। आई सॉ ए ब्यूटिफुल स्पेक्टिकल इन द इवनिंग टुडे विथ रेनबोज। मैंने आज शाम को बहुत सुंदर दृश्य देखा जिसमें इंद्रधनुष था। वो तो हो गया एक वचन स्पेक्टिकल। अब यदि स्पेक्टिकल बहुवचन है, यानी स्पेक्टिकल्स एस लगा दिया, इसका अर्थ बदल गया। ये जो चश्मा है इसको कहते हैं स्पेक्टिकल्स, जिससे दृश्य दिखाई दे उसे कहते हैं चश्मा, राइट। जिससे दृश्य दिखाई दे उसे कहते हैं चश्मा। तो स्पेक्टिकल्स मतलब आई ग्लास, स्पेक्टिकल्स माने चश्मा, वेरी क्लियर। स्पेक्टिकल माने दृश्य और स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा। अब एक और इसका जो अर्थ है, आपने देखा एक वचन में दृश्य, बहुत सारे दृश्यों के लिए भी हम यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल का। फ्रॉम हियर टू जगदलपुर व्हेन आई गो, द ब्यूटिफुल स्पेक्टिकल्स आई कम अक्रॉस। व्हेन आई गो फ्रॉम हियर टू जगदलपुर आई कम अक्रॉस ब्यूटिफुल स्पेक्टिकल्स। बहुत सारे सुंदर दृश्य रास्ते में आते हैं जब मैं जगदलपुर जाता हूँ तब, और मेरे स्पेक्टिकल्स में कुछ दाग है, तो यहाँ हो गया चश्मा,
और वहाँ मीनिंग हो गया दृश्य, बहुत सारे दृश्य। तो विद दिस वी हैव डन, एक और कर देते हैं। चलिए, बहुत सारे शब्द हैं बच्चों इसके लिए, और एक से एक सुंदर शब्द हैं, लेकिन एक आपको केवल एक एक्सपोजर हमको देना है यहाँ पे, बाकी अभ्यास आपको करना है। एक शब्द है ग्राउंड। ग्राउंड मतलब फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड। और एक होता है तुम किस ग्राउंड पे तुमने मुझे डांटा, बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, किस ग्राउंड पे तुमने उसे मारा, किस ग्राउंड पे सर उसको फेल कर दिया। तो ग्राउंड के दो अर्थ हैं, और एक होता है क्रिकेट ग्राउंड। तो यदि ग्राउंड एक वचन है तो दो अर्थ होगा, एक हो गया अर्थ मिट्टी क्रिकेट ग्राउंड, और दूसरा हो गया कारण, किस ग्राउंड पे इसका सिलेक्शन हुआ है मुझे बताइए सर, किस ग्राउंड पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है मुझे बताइए सर, ऐसा बोलते हैं ना बार बार। ऑन व्हाट ग्राउंड हैव आई बीन रिजेक्टेड एंड आई एम गोइंग टू द क्रिकेट ग्राउंड। दोनों के अर्थ अलग हैं, एक अर्थ मैंने बताया मिट्टी अर्थ, दूसरा मैंने बताया रीजन, राइट। अब ग्राउंड यदि बहुवचन हो जाता है तो क्या हो जाता है, वन इज क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ चारों तरफ, सेकेंड रीजन इज परिणाम कारण, बहुत सारे रीजन्स यानी कारण। तो ये दो अर्थ आप इसको देखिए, दो अर्थ इसके निकल रहे हैं, और हम अपनी सीमा जो है वो दो अर्थों तक रख रहे हैं। ऐसी बार ऐसे तो कई शब्द हैं जो बहुवचन होने पर तीन और चार अर्थ भी रखते हैं, बट लेट्स नॉट गो इन टू दैट। वी लिमिट आवर सेल्फ टू टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड विच इज प्लूरल मेड आउट ऑफ सम सिंगुलर वर्ड, राइट। सो विद दिस रूल नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट वन, दिस इज अगेन अबाउट नंबर। नाउ व्हाट इज दैट नंबर रूल हियर। अभी तक जो हम कर रहे हैं लगातार नाउन और सिंगुलर प्लूरल से जुड़े हुए रूल्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, संज्ञा और वचन, एक वचन बहुवचन, बहुवचन एक वचन, एक वचन एक वचन, ऐसे हम नियम जानने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड नंबर्स एंड डिफरेंट रिलेशंस वी आर लर्निंग। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जहाँ एक वचन में उसका एक अर्थ है, पर जैसे ही बहुवचन होता है अलग अर्थ हो जाता है। वेरी फनी अगेन, बट दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज। इट्स ग्रेट फन टू बी फनी एट टाइम्स, इट इज ग्रेट फन टू बी फनी एट टाइम्स। यहाँ पर हम देखें, मैं जो कह रहा हूँ एक वचन में एक अर्थ, पर जैसे ही बहुवचन होता है दूसरा अर्थ, क्या कैसे हुआ, एयर। एयर मतलब क्या होता है, एटमॉस्फियर बोलते हैं ना, द एयर इज वेरी पॉल्यूटेड, हवा जो है बड़ी दूषित है, द एयर इज वेरी पॉल्यूटेड, हवा बहुत दूषित है, आई नीड फ्रेश एयर, मुझे ताजी हवा चाहिए, आई नीड फ्रेश एयर, ये तो हो गया एटमोसफियर का। और एक होता है एयर्स, एयर्स मतलब क्या होता है बहुवचन में, वहाँ पे इसका हवा एटमोसफियर से कोई ताल्लुकात नहीं, जैसे ही एस लगाया बहुवचन तो हुआ, पर बहुवचन होते ही उसका अर्थ भी बदल गया। उदाहरण के लिए, राम कैरीज लॉट ऑफ एयर्स, राम जो है वो बहुत एयर लेके चलता है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एयर मतलब एक नाटकीय तरीके का व्यवहार लेके चलता है, दिखावा, एयर लेके चलना। आप कई बार बोलते हैं हिंदी में भी, यार वो लड़का, वो जो आदमी ना, वो जो सर हैं बहुत एयर लेके चलते हैं, बोलते हैं ना, आप लोग का पाला पड़ा होगा ऐसे लोगों से। तो एयर लेके चलना मतलब ऐसे जो लोग थोड़ा दिखावा करते हैं, तो एयर्स यानी दिखावे वाला बहुवचन, और इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे एफेक्टेड मैनर, एफेक्टेड मैनर्स, राइट, ये बहुवचन। और एक वचन में एटमॉस्फियर, दूसरा गुड, गुड मैंने अच्छा, बेनिफिट फायदा, गुड तो बहुत कॉमन शब्द है। और
यहाँ पर देखिए गुड, वैसे तो हम बोलते हैं गुड को किसी शब्द संज्ञा के साथ, यू आर ए गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड क्या है, बॉय की विशेषता बता रहा है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का, तो ये विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना। हम आगे और पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, लेकिन फिलहाल आप इतना तो समझते हैं हिंदी में वह अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है, अच्छा, तो अच्छा विशेषता बता रहा है, किस चीज़ की विशेषता, लड़के की, तो इसलिए विशेषण हुआ। तो यहाँ पे गुड का अर्थ, लेकिन यहाँ पर एक वचन यदि है तो गुड मने बेनिफिट, आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर द गुड ऑफ माई कॉलोनी पीपल, आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर द गुड ऑफ माई कॉलोनी पीपल, मैं ये जो काम कर रहा हूँ कॉलोनी के लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, बेनिफिट, बेनिफिट यानी भलाई, फायदा, लाभ। बहुत आपने सुना होगा पिछले खासकर ये कोरोना काल में, जिसे पैंडेमिक काल कहते हैं, संक्रमित काल, बहुत जगह विशेषकर सरदार ने, सिखों ने लंगर लगाए, लंगर तो आप जानते हैं, वो लंगर लगाए क्यों लगाए, जब उनसे पूछा गया लंगर क्यों लगाते हैं, इतना पैसा, इतनी मेहनत, इतनी लेबर, श्रम क्यों देते हैं, तो उनका कहना होता है वी आर डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, हम समाज के लिए, समाज के फायदे के लिए करते हैं, फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। वहाँ गुड विशेषण नहीं है, वहाँ गुड संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो बेनिफिट हो गया, वेल बीइंग हो गया उसका, भलाई, बेनिफिट, फायदा, एक वचन में। अब बहुवचन में यदि वो एस लग जाता है तो जो आप लोग इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो जानेंगे गुड्स मतलब होता है मर्चेंडाइज, माल, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ट्रक्स के पीछे या ट्रक्स के आगे भी आप पढ़ते होंगे गुड्स कैरियर, क्या लिखा रहता, यदि आपका ध्यान होगा तो पूछे तो पीछे की ओर तो कई बार बड़े बड़े अच्छे सुविचार लिखे रहते हैं, नहीं, लेकिन कई बार ट्रक के ऊपर सामने लिखा रहता है गुड्स कैरियर। वहाँ गुड्स कैरियर मतलब गुड मतलब अच्छा नहीं, भला नहीं, कैरियर मतलब तो जो ले जाता है, तो अच्छाई ले जाने वाला गाड़ी नहीं, भलाई वाली गाड़ी नहीं, वहाँ गुड्स का अर्थ हुआ माल, माल ढोने वाली गाड़ी यानी ट्रक। तो गुड्स बहुवचन में हो गया माल और एक वचन में हो गया फायदा, भलाई। ऐसे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत, रिस्पेक्ट यानी इज्जत, रिगार्ड, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, आई रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट ऑल माय टीचर्स, डोंट यू रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल आवर टीचर्स, ये तो हो गया एक वचन में। अब यदि इसमें एस लगा दिया, बहुवचन कर दिया, तो उसका मीनिंग बदल, रिस्पेक्ट्स मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स, रिस्पेक्ट्स मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट शब्द आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट देना, सो वो अनदर मीनिंग ऑफ बहुवचन, इन बहुवचन इज कॉम्प्लीमेंट, राइट। लास्ट वर्ड इसमें कर लेते हैं आयरन, आयरन मतलब लोहा, आयरन यानी लोहा, और आयरन्स मतलब फेटर, बंधन, आयरन माने लोहा और आयरन्स मतलब बंधन। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, तो हम चेन्स शब्द को हटा देते हैं, बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, चेन्स माने बंधन, चेन, हम बंधन को हटा दें, हम चेन शब्द को हटा दें, उसके बदले फेटर्स डाल दें, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन फेटर्स, फेटर्स मतलब बंधन, पैदा होते ही आदमी जब पैदा होता है तो फ्री, एक बच्चा जैसे ही अपनी माँ के गर्भ से निकलता है बिल्कुल स्वतंत्र होता है, और ख़ासकर जब उसका अम्बिलिकल कॉर्ड कटता है, अम्बिलिकल कॉर्ड आप जानते होंगे, उसे देखने की कोशिश करें क्या होता है, समझने की डिक्शनरी से, यहाँ आप समझ लें कि जैसे ही बच्चा माँ से अलग होता है फ्री हो जाता है, कोई बंधन नहीं, लेकिन जैसे ही पैदा होता है नए बंधन आ जाते हैं, कैसे,
ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे लेटो, ऐसे खाओ, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे बात करो, दुनिया भर के बंधन ही तो हैं ये। तो मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन फेटर्स। आदमी पैदा तो होता है स्वतंत्र, लेकिन पैदा होते ही वो दुनिया भर के बंधनों में आ जाता है। तो ये हो गया आयरन का। फोर्स मतलब क्या होता है? ताकत। बहुत फोर्स के साथ उसने गाड़ी को धक्का दिया। ही यूज्ड गुड फोर्स टू पुश द कार। तो फोर्स माने ताकत और फोर्सेस, ये जान लीजिए, ये आप बहुत पढ़ेंगे अंग्रेजी के अखबारों में बहुत आएगा, आता है। फोर्सेस यानी आर्मी, ट्रूप्स, फौजी, सेना, फौज। फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस जो हैं वो दुनिया की बहुत शक्तिशाली फोर्सेस में गिनी जाती हैं। फोर्सेस मतलब डिफेंस, आर्मी, ट्रूप्स, फोर्सेस, यानी एक वचन में एक अर्थ फोर्स का, ताकत, और बहुवचन में दूसरा अर्थ ट्रूप्स, आर्मी। तो इस प्रकार हमने फोर्स, आयरन, रिस्पेक्ट, गुड और एयर, ऐसी और भी 15-20 और शब्द कम से कम हैं। इससे आपने ये जाना कि एक वचन में कुछ संज्ञाओं के एक अर्थ हैं, और जैसे ही उस संज्ञा में आप एस लगाते हो तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, जिसका एक वचन से कोई ताल्लुकात नहीं रहता। इट हैज़ नो रिलेशन विथ सिंगुलर नाउन। नाउ वी कम टू अनदर वन, लेटर्स, वर्ण जिसको बोलते हैं, फिगर्स यानी संख्याएं बोलते हैं, फिगर यानी संख्या। अब देखिए, फिगर के भी दो अर्थ हैं, फिगर यानी संख्या और फिगर मतलब शारीरिक बनावट। उस नीरज कुमार, कौन है नीरज कुमार? वही व्यक्ति जिसने ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया है भाला फेंक में। नीरज कुमार हैज ए गुड फिगर, मतलब उसका जो शारीरिक बनावट है बड़ी अच्छी है, अच्छी ऊंचाई है, छरहरा है, ब्रॉड शोल्डर्स हैं, और जो भी बातें। तो फिगर मतलब होता है बनावट, और फिगर मतलब होता है अंक, संख्या। तो एक ही शब्द के दो अर्थ भी होते हैं। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि संज्ञा के तहत क्या नियम की बात कर रहे हैं हम। वर्ण या लेटर्स, फिगर और कुछ अन्य जो चिन्ह होते हैं, सिंबल, उनका बहुवचन में एपोस्ट्रॉफी लगा के उनको हम बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन बनाना हो तो एपोस्ट्रॉफी लगा दें। अब ये एपोस्ट्रॉफी क्या है? यदि आपने पूर्व का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने समझाने की कोशिश की है एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE। एपोस्ट्रॉफी एक तरह का कॉमा जो अक्षर के ऊपर लगता है, अक्षर के ऊपर लगता है, नीचे नहीं। जैसे There are more E's than A's in this page. There are more E's than A's in this page. There are E apostrophe S. ये बहुवचन है। तो बहुवचन यहाँ पे कैसे बना? E का बहुवचन यदि बनाना है, एक अक्षर का बहुवचन, तो apostrophe के बाद S लगा है, यानी केवल S लगाने से बहुवचन नहीं हो जाता, उसमें apostrophe लगाना पड़ता है। इसका ऐसे ही एक के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा है, इसका अर्थ क्या हुआ? देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज। इस पन्ने में ए की तुलना में ई अक्षर ज़्यादा हैं, राइट? अब एक और देखिए जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग लिखते समय क्या करते हैं? आई के ऊपर बिंदी लगाना भूल जाते हैं, नहीं लगाते। टी को हम लोग काटते नहीं। तो आप लोगों के लिए एक लेसन है, कट योर टीज एंड डॉट योर आईज। कट योर टीज, टी एपोस्ट्रॉफी एस, एंड डॉट योर आईज, आई एपोस्ट्रॉफी एस। तो बहुत से शब्दों में एक वचन को बहुवचन यदि करना है तो उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाना होता है। अब किन में लगाना होता है? ये मोटा मोटा जो नियम है वो है, एक आध अक्षर की बात कर रहे हो तो, एक आध अंक की बात कर रहे हो तो, एक आध चिन्ह की बात कर रहे हो तो, सिंगल, लेटर,
figure or symbol. If you want to convert it into plural, use apostrophe S. Right? Next is, हम अगले में आते हैं भाववाचक संज्ञा पे, abstract noun जिसको हमने कहा. abstract noun का बहुवचन नहीं होता, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते. गुड, गुड मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, समाज की भलाई के लिए, है ना, समाज की भलाई के लिए लंगर लगता है. फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, द लंगर इज अरेंज्ड फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी. गुड्स ऑफ सोसाइटी नहीं होगा. गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, मैंने बताया था, गुड का मतलब हो जाता है माल, मर्चेंडाइज. और गुड कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता. तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो पहले देखिए कौन सा नाउन, यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ तो बहुवचन भी उसका वही होगा जो एक वचन में है. जैसे होप, उम्मीद, जैसे चैरिटी, दया, चैरिटी माने दान, दया नहीं, दान. लव यानी प्यार, प्यारो नहीं होता. ही इज नोन फॉर हिज लव फॉर ऑल पीपल, वह जनता से, सभी लोगों से प्यार करने के लिए जाना जाता है. मदर टेरेसा वॉज नोन फॉर लव ऑफ पुअर पीपल. मदर टेरेसा का नाम सुना है आपने, जिन्हें मेरे ख्याल से 1984 में नोबेल प्राइज मिला था, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, NOBEL, नोबेल पुरस्कार मिला था. तो शी वॉज नोन फॉर द लव ऑफ ह्यूमन बींग्स, वहाँ लव्स नहीं होगा, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई बहुवचन नहीं होता. ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड नियम है, ये रूल है वास्तव में, इसका कोई अपवाद नहीं है. और जब ऐसे शब्द बहुवचन में आते हैं तो फिर उनकी गिनती हो जाती है. जैसे काइंडनेस, काइंडनेस भी एक वचन है और ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा होने के नाते इसका बहुवचन नहीं होगा. लेकिन यदि आपने काइंडनेस में एस लगा दिया तो उसका अर्थ क्या होगा, अर्थ बदल जाएगा, गिनती हो सकती है. एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेसेस यानी काइंडनेस के बहुत सारे जो एक्ट माने काम, कार्य. तो काइंडनेसेस बहुत सारे कार्य, दया के बहुत सारे कार्य, तब यहाँ पर जाके एस लगता है और अर्थ में बहुवचन हो जाता है, काइंडनेस का भाववाचक होते हुए भी. राइट, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. यहाँ कॉपर, कॉपर यानी क्या होता है, तांबा, तांबे, तांबे के बर्तन, हिंदी में तो होता है तांबे के बर्तन, तांबे का बहुवचन हमने कर दिया तांबे. ऐसे ही लोहे के बर्तन, लोहे की छड़ें, लेकिन लोहे को बहुवचन नहीं बनाया है, छड़ को छड़ें कर दिया, लेकिन क्या लोहे को बहुवचन बनाया है, नहीं बनाया. ऐसे ही वुड, लकड़ी, लकड़ी का बहुवचन बनाया है. बहुत सी लकड़ियां यदि हमको बोलना है तो मैनी वुड, लेकिन हम एस नहीं लगाएंगे, वुड्स. और यदि वुड्स में एस लगाते हैं तो उसका दूसरा अर्थ हो जाता है, ये ख्याल रखिए मैं जो बताना चाह रहा हूं. तांबे, बहुत सा तांबा, हम क्या, यदि हमको तांबे को बहुवचन करना है तो हम तांबे में कुछ अक्षर नहीं जोड़ते, हम क्या बोलेंगे, बहुत सा तांबा, बहुत सा लोहा, बहुत सा, बहुत सी लकड़ियाँ, कॉपर, आयरन, टिन, वुड. दूसरे शब्दों में जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ को गिना नहीं जा सकता, पदार्थ जो है अगणनीय, अगणनीय है, गणना उसकी नहीं की जा सकती. राइट, लेकिन यदि हम उसमें एस लगा देते हैं तो गणनीय हो जाता है. आप बोलेंगे सर ये क्या नियम है, ये तो गणनीय है या अगणनीय है,
लेकिन बच्चों मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यदि ऐस नहीं लगा है तो वो पदार्थ को गिना नहीं जा सकता, और यदि ऐस लगा है तो उस शब्द का अर्थ ही बदल गया है, और चूंकि अर्थ बदल गया है वो गणनीय हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है, गिन सकते हो। जैसे वुड, मैंने बताया वुड मैंने लकड़ी, और यदि मैंने बहुत सी लकड़ियाँ मंगानी है तो लॉट ऑफ वुड, प्लेंटी ऑफ वुड, प्लेंटी यानी बहुत। लेकिन यदि मैंने वुड्स लिख दिया, आई एम गोइंग टू बाय वुड्स, तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि वुड्स मतलब होता है जंगल, वुड्स मैंने क्या होता है जंगल, और वुड मैंने क्या होता है लकड़ी। तो एक वचन में एक अर्थ, बहुवचन में दूसरा अर्थ, एक वचन में अगणनीय पदार्थ अगणनीय माने जाते हैं, और बहुवचन में उसका अर्थ बदल जाता है, वुड्स मतलब जंगल। यहां मुझे एक कविता याद आती है, बहुत प्रसिद्ध, पंडित नेहरू की जब डेथ हुई, जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, सबसे लंबे समय तक के लिए प्रधानमंत्री रहे, उनकी जब 1964 में मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके बिस्तर के सिरहाने में तकिए के नीचे कागज मिला, कागज, ए पीस ऑफ पेपर। उस कागज में एक कविता लिखी थी, क्या थी कविता, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो यहां वुड्स का क्या अर्थ है, जंगल, जंगल जो है वह बड़ा सुंदर है, बहुत गहरा रंग है और बहुत शानदार दिख रहा है। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, प्रॉमिस यानी वादा, कीप मैंने रखना, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे मीलों चलना है, मुझे मीलों चलना है। ये चार पंक्तियाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता से है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत प्रसिद्ध कवि, उनकी कविता की ये चार लाइनों को नेहरू ने एक कागज में लिख लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने तकिए के नीचे रख के सोते थे। उसमें यही बताया गया है कि दुनिया जो है बहुत अट्रैक्टिव है, जंगल से उनका भावार्थ था, दुनिया बड़ी अट्रैक्टिव है, बहुत सारे लोभ हैं, लेकिन मेरे को बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, सोने के पहले मुझे मीलों चलना है, सोने के पहले मुझे मीलों चलना है। ये पूरा घटनाक्रम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप वुड और वुड्स में अंतर समझ जाओ, भूलो मत। तो वुड्स माने जंगल, ऐसे ही आयरन्स मतलब मैंने आपको बताया फेटर्स, बंधन, आयरन्स, राइट, वुड्स माने जंगल। टिन्स मतलब क्या होता है, टिन माने एक पदार्थ, लेकिन टिन्स मतलब क्या होता है, आप कैंपा कोला के टिन्स खरीदते हो कि नहीं, जो फ्रिज में रखा रहता है, कैन जिसको बोलते हैं, कैन, छोटे छोटे टिन के डब्बे, उसको यदि बहुवचन है तो टिन्स हो जाएगा, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड नंबर, वी हैव कंप्लीटेड द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड सिंगुलर प्लस प्लूरल, संज्ञा और संख्या, इसका जो संबंध है इसको हमने पूरा कर लिया।